जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग क्या करते हैं, काफी बार ऐसा होता है जो भी नए नए क्रिएटर होते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के चैनल पे कभी तो रियूज कंटेंट आ जाता है या उनके पे टू स्टेप एरर आ जाता है। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अभी तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है या आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कर लिया है और आप लोग भी अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाले हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रॉपर तरीके से अपना एक यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज किया जाता है। तो ये मैम हमसे मिलने आई है, तो मैम कहाँ से आई है आप? हाँ, मैं यूपी से आई हूँ, वाराणसी से आई हूँ और मुझे मेरा मतलब सारा कुछ कंप्लीट हो गया था बट अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, तो इन्होंने फाइनली मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपने से नहीं कि मैंने सोचा कि चलो उनसे मिलके करते हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको डर क्या था कि हम अगर खुद से मोनेटाइज करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी? मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर खुद से करूँगी तो कहीं पे कोई दिक्कत ना हो जाए और मुझे मतलब मोनेटाइज में, जैसे मैंने सुना था कि अगर एक बार अगर एरर आ जाता है तो फिर 22 दिन ऐसे टाइम लगता है, तो मैंने सोचा 22 दिन करके अगर एरर आता रहेगा तो फिर टाइम लगेगा और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आपसे मिलना है जी। तो मैंने सोचा कि चलो मिलना भी हो जाएगा और फिर इसके बाद मेरा मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये इनका यूट्यूब चैनल है, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है प्रीति जायसवाल, ठीक है, और इनके यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्न वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए इनका अप्लाई का ऑप्शन भी आ गया है। काफी सारे लोगों के यूट्यूब चैनल पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है पर उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, कैसे अपना एडसेंस अकाउंट बनाना है और अगर आपका एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको क्या प्रोसेस अपनाना है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको अप्लाई के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखो तीन स्टेप आते हैं, सबसे पहला आता है रिव्यू वेस्ट टर्म, सेकंड आता है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब, थर्ड आता है गेट रिव्यू। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट वाला जो ऑप्शन दिखता है रिव्यू वेस्ट टर्म, इस पर आपको करना होता है क्लिक, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर कर लेंगे क्लिक। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन आती है पढ़ने के लिए, आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी होती हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको करना क्या होता है यहां पर जो आपको मिलता है आई एक्सेप्ट द बेस टर्म्स, इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे अब देखो यहां से आपको मिलता है एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो करना क्या है आपको यहां पर सिंपली कर देना है एक्सेप्ट। जैसे ही आप यहां से एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ से जो आपका स्टेप वन है ये आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये आपका पहला कंप्लीट हो गया है। पहला कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं उनको पढ़ के एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये जो मेन होता है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है एक यूट्यूबर के लिए वो इसी में आती है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एडसेंस अकाउंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको जो स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है सिंपली यहाँ से स्टार्ट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ही एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप यस पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है नो आई नीड टू क्रिएट वन, अगर आपको अपना नया एडसेंस अकाउंट बनाना है तो आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आपको नहीं पता है एडसेंस अकाउंट के बारे में तो आप आई डोंट नो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है, नो, तो आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? नो आई नीड टू क्रिएट वन, हाँ, तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब आपके सामने देखो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको करना क्या है नेक्स्ट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद यहाँ से आपके सामने एक नया इंटरफेस है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ईमेल आईडी आ जाएंगी, जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बनाए आप लोग उसी ईमेल आईडी से अपना एडसेंस अकाउंट बनाए ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कोई सी भी ईमेल आईडी आपकी डिलीट हो सकती है पर जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बनाए वो ईमेल आईडी आप लोग संभाल के रखते हैं और वो ईमेल आईडी हमेशा आपके फोन में लॉग इन भी रहती है। तो यहाँ से आपको कौन से ईमेल आईडी से, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ईमेल आईडी है इससे इनका एडसेंस अकाउंट हमें बनाना है, क्योंकि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। तो सिंपली आपको अपनी वही ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से
तो यहाँ से आपको कर लेना है डेस्कटॉप साइट पर, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको ताकि आपको पूरा प्रोसेस सही तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपको सिंपली वो कंट्री यहाँ से क्लियर यहाँ पे जाना है। और जैसे कि हम लोग इंडिया से हैं तो हम यहाँ से इंडिया पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से इंडिया पर क्लिक किया, अब देखो आपके सामने इस तरीके से काफी सारे जो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी इनको आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर यस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटअप अकाउंट, सिंपली करना क्या है सेटअप अकाउंट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप सेटअप अकाउंट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ से देखो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इनका जो ईमेल आईडी है, अब यहाँ जो आपका जो अकाउंट टाइप है यहाँ पर आपको यही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बिजनेस को सेलेक्ट मत करना। उसके बाद देखो इनका सिंपली यहाँ पे आ गया पूरा एड्रेस, आपका एड्रेस यहाँ पे ईमेल आईडी में पहले से ही फिल होके आ गया है, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका पूरा एडसेंस अकाउंट है वो देखो यहाँ पे भरा है, पर यहाँ पे ये देखो गलत है, यहाँ पे सब में यूपी 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 सब में भरा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है चेंज करना है। तो एड्रेस आपको पूरा डालना है, अपना नाम है, आपको वो नाम यहाँ पे डालना है जिस नाम से आप लोगों का डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पे पैन कार्ड लगाना है तो आपको करना क्या है पैन कार्ड में जो आपका नाम पड़ा है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। आप ये नहीं कि आपने जिस नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है आप उस नाम को यहाँ पे डालें, ऐसा आपको नहीं करना। तो सबसे पहले हम इन सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके वाईटी स्टूडियो पे। तो यहाँ पर देखो अब क्या आ रहा है इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसका टाइम क्या दिया है 2 से 3 हफ्ते, मतलब कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कि इससे ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस है ये सिर्फ आपका 8 से 10 घंटे के अंदर आपका ये वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका यूट्यूब चैनल है वो गेट रिव्यू, मतलब कि रिव्यू में चला जाता है, और रिव्यू में आपका चैनल होता है वो 1 से 2 दिन तक रहता है, और उसके बाद यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज कर देता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन से मैच करता है तो आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका 100% मोनेटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जैसे ही आपका स्टेप 2 कंप्लीट होगा उसके बाद आपका स्टेप 3 में जाएगा, स्टेप 3 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इनका यूट्यूब चैनल भी 100% यहाँ से मोनेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही मोनेटाइज होगा मैं आपको देखो यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दे रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि इनका यूट्यूब चैनल है वो यहाँ से मोनेटाइज हो चुका है। इसी तरीके से आपका जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप लोगों को अपने शॉर्ट फीड ऐड है या जो आपके लॉन्ग वीडियो के ऐड है तो वो आपको अपने आप ही ऑन कर लेने हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार वीडियोस को डाल सकते हैं और आपका यूट्यूब चैनल यहाँ से पूरी तरीके से मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। तो गाइज आप लोग इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना बहुत ही ईजी है, बस आपको दिक्कत कहाँ होती है अपने यूट्यूब चैनल पे जो आप वीडियोज डाल रहे हैं वो वीडियोज आपके यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ तो नहीं है, मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कोई वीडियो आपने रियूज कंटेंट वाली अपलोड तो नहीं की है, या आपके चैनल पे कोई डुप्लीकेट वीडियो तो नहीं है। तो ऐसा आपको पहले चेक करना होता है, उसके बाद ही आपको अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो अब आपको कैसा लग रहा है आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है मोनेटाइज हो गया, क्योंकि काफी दिन से वेट कर रहे थे कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और लास्ट में हो ही गया, और क्या ही बोलूं। तो बस बहुत बहुत बधाई आपके लिए, और इसी तरीके से बस आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो बस इसी तरीके से लगातार ट्रैवल करके पहुंची हूँ, बहुत मिलने का शौक था कि चलो मैं मिलती हूँ, और काफी दिनों से दोनों बहन का वीडियो देखती थी तो मुझे मन था कि मिलना, पर डाउट भी था मिलने ही आ रही है तो शिखा जी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी बात इनसे हुई थी। सही बात है, तो अब तो हो गई। देखो पर मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, सिर्फ चैनल को मोनेटाइज करने से ही आप पैसा नहीं कमाने लगेंगे, ठीक है। उस पे आपको चैनल मोनेटाइज करने के बाद आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, बस ये हर क्रिएटर को ध्यान रखना है। सिर्फ मोनेटाइज करने से ही आप पैसा नहीं कमाएंगे, उसके बाद जब आप उस पे वीडियो नहीं डालेंगे मेहनत नहीं करेंगे तो आप कहाँ से पैसा कमाएंगे। इसलिए बस लगातार मेहनत कीजिए, चैनल मोनेटाइज इसी तरीके से होता है, बस आप लोग लगातार काम कीजिए और आगे बढ़िए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं हम लोग कभी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।